कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4। फ्रिक्शन का टॉपिक कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, वो कौन से तरीकेकार हैं जिससे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है। दो बॉडीज़ के दरमियान फ्रिक्शन है, वो रब कर रहे हैं आपस में, उसको मुझे कम करना है अगर, तो मैं किस तरह क्या प्रोसेस उसमें क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, एग्जाम में आते हैं आपके पास, राइट डाउन द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, कुछ मशीन्स में आपके पास ल्यूब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है, ल्यूब्रिकेंट मतलब ऑयली मटेरियल जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं दोनों सरफेस के दरमियान एक वो जो ड्राइनेस होती है उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिससे इंजन जो है आपका सही काम करने लगता है प्रॉपरली, ठीक है। देखिए द वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स, द वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स कैन बी ल्यूब्रिकेटेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम हो जाती है जिससे दोनों के दरमियान जाए दो सरफेसेस, कैन बी ल्यूब्रिकेटेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब एक मिसाल देता हूँ मैं कि आपका एक स्लाइडिंग डोर है, स्लाइडिंग डोर देखा होगा ना, मतलब किसी भी ड्रेसिंग टेबल या किसी भी चीज़ का, अगर वो जैम हो गया है तो आप क्या करते हैं, ग्रीसी मटेरियल डालते हैं ना कोई, उससे वो क्या होता है स्लाइडिंग सरफेस आपकी सही से दोबारा से चलने लगती है। जब आप ग्रीसी मटेरियल डालोगे तो दो सर्फेसिस के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और ऑयल आ जाएगा बीच में जो उसे क्या करेगा आगे की तरफ भेजेगा, जो कि उसको रफ से स्मूथ कर देता है और वो चलने लगता है, ठीक है। तो ग्रीसी मटेरियल किस तरह कहाँ यूज़ किए जाते हैं, दो स्लाइडिंग सरफेसेस में, दो स्लाइडिंग सरफेसेस में अगर हम ग्रीसी मटेरियल यूज़ करेंगे फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी और वो चलने लगेगा। जब बहुत ज़्यादा जैम हो जाता है उस वक्त करते हैं ऐसा, है ना, ऐसे ही है ना, तो फ्रिक्शन ख़त्म करते हैं उसके बाद वो चलने लगता है। अब लिखिएगा ज़रा, द ग्रीसी मटेरियल कैन बी यूज्ड between two sliding surfaces. Number 3, ये जो गाड़ियों में एरोप्लेन वगैरह में ये पूरा सरफेस लगाया जाता है, आगे का बोनट वगैरह शीशा उससे कवर किया जाता है, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, हवा और इंसान के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती रहेगी, ठीक है। ये इसलिए लगाया जाता है बेसिकली ताकि आपकी गाड़ी बैलेंस रहे, सही है, ताकि आपकी गाड़ी सही उसमें चलती रहे, आप सही से उसको ड्राइव कर सकें और आपको तमाम जो आने वाली चीज़ें उससे बचा सके सामने, ठीक है। तो फ्रंट ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट्स के आगे जो फ्रंट लगाया जाता है वो किसको कम करता है, एयर फ्रिक्शन को, हवा और इंसान के दरमियान जो दबाव है वो पैदा हो जाती है, फ्रिक्शन उसको ख़त्म करता है, ठीक है। वो हवा और ह्यूमन बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो मिलता है, जाहिर सी बात है वो फ्रिक्शन ही होगी ना, दो बॉडीज़ का मिलना, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, आगे कवर्स। तो लिखिए द फ्रंट ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू मिनिमाइज एयर फ्रिक्शन। एरोप्लेन में भी है, हर जाहिर है कोई भी चलने वाली चीज़ होगी सिवाय मोटरसाइकिल के, हर चीज़ में होगा, मिनिमाइज एयर फ्रिक्शन। अब इसकी टाइप्स पे आते हैं, हेडिंग डालिए कितनी तरह की फ्रिक्शन होती हैं, मैं बता देता हूँ आपको, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 1, पहली टाइप आपको बताती है स्टैटिक फ्रिक्शन,
पहली टाइप आपके पास आती है स्टैटिक फ्रिक्शन, आप लोग जब किसी भी चट्टान पे चढ़ते हैं, किसी भी रॉक के ऊपर चढ़ते हैं तो किस तरह संभलते हैं ना, इस तरह से मतलब पांव रख के संभल संभल के चढ़ते हैं। अब ये कौन सी फोर्स है जो आपको जो है उस पर रोक रही है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई भी बॉडी किसी सरफेस पे रेस्ट पे हो तो उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी तरह से किसी लकड़ी पर चढ़ते हैं, किसी दरख्त पर चढ़ने के संभलते हैं ना इस तरह, तो वो जो फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। लिखिए, द स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज when it is resting on the surface, when it is resting on the surface, ठीक है बेटा। नंबर टू, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक्स ए सी टी एस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किए, इसके बाद आपके पास आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाम से जाहिर है एक चीज बताइए, जब दो बॉडीज एक दूसरे के सरफेस पे क्या कर जाएं, स्लाइड कर जाएं, तो उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं। एक बर्फ की मैंने सिल रखी, मैंने उसको किसी सरफेस पे यूं किया तो क्या करती हुई जाएगी, स्लाइड करती हुई जाएगी, जाहिर सी बात है आइस क्यूब पूरी, ठीक है। तो इस तरह की जो फ्रिक्शन होगी वो क्या कहलाती है आपकी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। डोर की एग्जांपल ले लें, स्लाइडिंग डोर होते हैं, ठीक है। डोर को अगर वो क्या करता है, दूसरी सरफेस पे स्लाइड करता है, ठीक है। देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट when it is sliding over a surface, when it is sliding over a when it is sliding over a surface, तीसरी आती है बेटा मेरे पास रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है भाई, रोल होती भी जाना कोई चीज। सपोज गाड़ियां चल रही हैं रोड पे, स्क्वायर टायर तो नहीं लगे हुए ना, वो क्या होता है, रोल होता वही जाता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। एक सिक्का में इस तरह फेंकूं, वो थोड़ी देर तक किस तरह जाएगा सरफेस पे, रोल होता हुआ जाएगा। तो इस तरह की क्या होती है फ्रिक्शन आपकी, रोलिंग फ्रिक्शन होती है, जो स्फेरिकल शेप में जाए, ठीक है। लिखिए, the rolling friction acts on an object, the rolling friction acts on an object when it rolls over a surface, when it rolls over a surface, फॉर फ्लड फ्रिक्शन। फाइनल ये इसकी टाइप है जो कि आपके लिए पढ़ना जरूरी है,
फ्लड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फ्लो करता है, मतलब बहता है, ठीक है। फ्लड एक सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, फ्लो करता है। वाटर, गैस, ये ज्यादातर किसमें होता है, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। ये बह सकती है कुर्सी? नहीं ना, इसको कोई लिक्विड ही आके बहाएगा, ऐसा तो है ना। जी हाँ, मतलब ये जो है, ये कुर्सी बह सकती है फिलहाल? कैसे बह सकती है? हाँ, अभी रखे रखे मैं इसको अगर मूव करूँगा तो ये बहेगी क्या? चलेगी ना, मूव करेगी, मोशन में आ जाएगी बस, ठीक है। तो फ्लड फ्रिक्शन बेसिकली किस पे वर्क करता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ओके। नाउ लिसन, देखिए, द फ्लड फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग थ्रू द फ्लड, ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग थ्रू फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर एक मतलब सपोज एक पूल इस तरह बहता हुआ जा रहा है, ठीक है, इस तरफ बहता हुआ जा रहा है, मैं उस पर अगर हाथ रख दूँ तो आपको क्या फील होगा कि मतलब वाटर की डायरेक्शन आपके हाथ की डायरेक्शन से अपोजिटली निकलती हुई जा रही है, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड फ्लड फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो फोर्स जो कि आपके अगेंस्ट चले जाए, है ना। मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि ये फोर्स जो है वो आपकी पानी की जो है वो उस तरफ है और मैंने हाथ रखा है इस तरफ, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। तो लिखिए, ये लिख लिया, उसके बाद एक और लाइन लिख लीजिए, फ्लड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो, फ्लड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिएगा, एप्लीकेबल फॉर लिक्विड एंड गैसेस विच कैन फ्लो। अब फ्लड की डेफिनेशन आ जाए तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है, विच कैन फ्लो। उसके बाद लिखिएगा, एप्लीकेबल फॉर किस किस के लिए, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, नाउ बी अटेंटिव, बी अटेंटिव। लिक्विड एंड गैस, मिटा दूं, ठीक है। हेडिंग डालिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनल इस चैप्टर का, टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या चीज होती है? नाउ लिसन, जब मैं लिखने बोलूं तब लिखिएगा, अभी सुन लें बस, स्ट्रिंग क्या चीज होती है? मतलब एक धागे की तरह की चीज, चलो धागा ही कह लो, जो किसी भी बॉडी को क्या करती है, खींचती है अपनी तरफ, क्या करती है, खींचती है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टेंशन? टेंशन बेसिकली इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स, सबसे पहले बताता चलो, ये एक तरह की फोर्स है। जो आप दिमाग की बात करिए, वो टेंशन भी आपकी जो स्ट्रेस की जो है वो फोर्स होती है एक, कि जिसकी वजह से आपको क्या होती है, टेंशन होती है। टेंशन बेसिकली इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स, ठीक है, वो फोर्स जो कि किसी भी बॉडी पे खिंचाव पैदा कर दे, ठीक है, किसी भी बॉडी पे खिंचाव पैदा कर दे, पुल करे जैसे।
ठीक है, अब सुने मेरी बात। टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कोई वो ऑब्जेक्ट जो कि वो एक किसी किस्म का मटेरियल जो कि किसी बॉडी को क्या करे, पुल करे, तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जो कि किसी भी स्ट्रिंग पे क्या लगाई जाए, फोर्स लगाई जाए और वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर ले, पुल कर ले, तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रोसेस, टेंशन इन द, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग पे फोर्स एग्जर्ट की जाए और वो सब्जेक्ट को क्या कर ले, पुल कर ले, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, टेंशन इन द, ठीक है। पुली का नाम सुना है, वो एक पहिया होता है जो कि क्या कहते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, आपस में खींचता है, जब हम उसे खींचते हैं तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो एक का मतलब फोर्स ज्यादा हुई और जो ऊपर आ रहा है उसकी फोर्स क्या हुई, जाहिर सी बात है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ गई तो उसके साथ भी यही मसला है, ठीक है, कि मतलब उसे एक फोर्स है जो कि कहाँ एग्जर्ट कर रही है, ऊपर की तरफ लेके जा रही है, सही है। अब लिसन नाउ, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज फोर्स एग्जर्टेड ऑन द स्ट्रिंग, वो फोर्स जो कि स्ट्रिंग पे लगाई गई, ठीक है, और एक चीज पुल हो गई, फोर्स एग्जर्टेड ऑन द स्ट्रिंग एक्सपीरियंसिंग अ पुल, फोर्स एग्जर्टेड ऑन द स्ट्रिंग एक्सपीरियंसिंग अ पुल, ठीक है। अच्छा बेटा, आप लोगों के लिए आसानी होगी, एक चीज लिख लीजिए जरा, आप डिफाइन टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। एक्सप्रेशन हमने बनानी है, फॉर्मूला बनाना है स्ट्रिंग का, एक्सीलरेशन का और टेंशन का, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, ठीक है। इसके दो केसेस हैं, सुन लीजिए पहले पूरी अच्छी तरह, दो केसेस हैं। पहला केस में ये होता है कि दोनों बॉडीज आपकी वर्टिकली लगी होती हैं, दोनों बॉडीज, और दूसरा केस है एक बॉडी आपकी हॉरिजॉन्टल होती है और दूसरी बॉडी आपकी क्या होती है, यूं जा रही होती है वर्टिकली, जो उसको एग्जर्ट करेंगे बीच में पुली लगा होता है, उसको एग्जर्ट करते हैं तो नीचे वाली जो बॉडी होती है वो कहाँ आती है, ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। ये दो केसेस हैं, दोनों में हमने कौन कौन से फॉर्मूले ड्राइव करने हैं, एक एक्सीलरेशन का और एक टेंशन का, ठीक है। अब जरा पहला केस, केस नंबर वन की हेडिंग डालिए, सवाल किस तरह से आता है वो मैं एंड में दोबारा बता दूंगा, सही है। केस नंबर वन, When both bodies, heading डालिएगा ये पूरी, hang when both bodies hang vertically, यू लगी हुई है। अब मैं किस तरह से, ये देखिए, हाँ, इसके बगैर नहीं समझ में आएगा, बना लो। वैसे आपके नोट्स में है, रफ सी बना लो जैसे मैंने बनाई, इसकी समझाने के लिए बता रहा हूँ, और मेरी डायग्राम पे कोई हंसेगा नहीं। सबसे पहले बता दे चलूँ कि कोई हंसेगा नहीं मेरी डायग्राम पे, क्या कह सकते हैं भाई, बाद में बताऊंगा, ठीक है बेटा। ये दोनों बॉडीज किस डायरेक्शन में लगी हुई है, वर्टिकल, ये थोड़ा सा इस तरह से होता है, ये ज्यादा वाइड हो गया, सही है, लेकिन डायरेक्शन यही है, चलें कोई बात नहीं।
उसके बाद लिखिएगा एक्सप्लेनेशन इसकी जो मैं बता रहा हूँ। और एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा बेटा जरा, पहले W इज इक्वल्स टू एम जी, वेट का फॉर्मूला है मास इनटू ग्रेविटी, सही है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 9.8, ठीक है। और जब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस वक्त तक कोई नहीं लिखेगा, ये बात सुन लें, ठीक है। ये फॉर्मूले मैं किस तरह से बना रहा हूँ इसको देख लीजिएगा ज़रा। ये समझ में आ जाएगा तो आगे कर लेंगे, मसला नहीं है कोई ऐसा बड़ा, ठीक है। और ये लॉन्ग में आती है, 7 मार्क्स की डेरिवेशन, कोई भी एक केस दे देंगे। पहला केस ये है कि या बोथ मूव वर्टिकली या एक हॉरिजॉन्टल जाएगी और एक वर्टिकल जाएगी, ठीक है। लिसन नाउ, बाद में बना लीजिएगा, चलें सुन लें। अब दो बॉडीज़ हैं, दोनों कैसे लगी हुई हैं, वर्टिकल लगी हैं, जाहिर सी बात है इसका वेट अगर ज़्यादा होगा तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगी, एग्जर्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ दिस व्हील, सही है, ऐसा ही है। अब मुझे बताइए, पहले मैं सिर्फ इसको देखता हूँ, ठीक है, इसको छोड़ दें अभी, ठीक है। फोर्स का क्या फॉर्मूला है बेटा, एम ए, ये लिख लिया मैंने, फोर्स का फॉर्मूला यही है ना। अच्छा, मुझे टोटल फोर्स जब इसकी निकालनी होगी तो मुझे एक बात बताइए, इसकी टेंशन ज़्यादा है या वेट, वेट ज़्यादा है, जब ही वो टेंशन को क्या कर रही है, अपनी तरफ एग्जर्ट कर रही है, ऐसा ही है, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज़। अब देखिए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल्स टू, वेट मेरा ज़्यादा है तो वेट में से मैं क्या करूँगा, टेंशन को माइनस कर दूंगा, तो डब्ल्यू वन माइनस टी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है। ये देखिए, सही है, सही है ना, वेट में से मैं टेंशन माइनस कर दूंगा, क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी, सही है। अब ये देखिए, फोर्स का क्या फॉर्मूला है, एम ए, तो एम की जगह मैं एम वन लिखूंगा, क्योंकि मैं पहले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सही है, मैं पहले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, एम वन ए इज इक्वल टू, डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला है, एम जी, इधर भी क्या लिखूंगा, एम वन जी, है ना, ऐसा ही है ना, तो क्या हो जाएगा, एम वन जी माइनस टी, सही है। ये पहली बॉडी हो गई, इसको कर दें इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी क्या चीज ज्यादा है, इसकी टेंशन ज्यादा है या वेट, टेंशन बड़ी है, वेट छोटा है, तो ये क्या होगा, T माइनस W, बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी छोटी वैल्यू, यानी F2 बराबर है, F इज इक्वल टू T माइनस, लिख सकते हैं, सही है यहां तक। नेक्स्ट F क्या है, एम ए, इधर क्या लगाऊंगा, मास नंबर टू, क्योंकि मैं कौन सी बॉडी की बात कर रहा हूँ, दूसरी बॉडी की, इसका मास क्या है, एम टू, ठीक है, इज इक्वल टू T की जगह T लिख दीजिए, माइनस W2 की जगह क्या लिखूंगा, एम टू जी, सही है जी, सही है यहाँ तक, ये हो गई इक्वेशन नंबर, सही है यहाँ तक। अपनी तरफ से मैं करूँगा अब ये काम, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा, ऐड इक्वेशंस, ऐड इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। ये देखिए, इक्वेशन वन मेरे पास क्या है, कहाँ है, तेरी एम वन ए इज इक्वल टू एम वन जी माइनस टी, और एम टू ए इज इक्वल टू ठीक है माइनस टी प्लस टी, सही है। इन दोनों को जरा प्लस कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एम वन ए प्लस एम टू ए इज इक्वल टू एम वन जी माइनस, ठीक है, सही है। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए, क्या आ गया, एम वन प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है,
जी ठीक है, हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है ना। ये हम पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, इस पूरे को नीचे फेंक दूंगा मैं, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू एम वन माइनस एम टू जी अपॉन एम वन प्लस, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। सही है, क्या किया ये समझ में आ गया, तो फिर सिर्फ ऐड कराया, उसके बाद एक्सेलरेशन निकाली कॉमन लेके, बस और थोड़ी कुछ किया। सही है, बस ये स्टेप है सही समझने वाला कि ऐसा क्यों किया मैंने, ये मैंने क्यों एक्सप्रेशन ली। अच्छा, इसको करने से पहले पहले एक लाइन लिखिए ज़रा, कंसिडर टू बॉडीज हैंग वर्टिकली, कंसिडर टू बॉडीज हैंग वर्टिकली with unequal masses, with unequal masses, with unequal masses, M1 and M2 with unequal masses, M1 and M2। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इसको जो है बॉडी A कर दें, इसको बॉडी B कर दें।